नमस्कार, मैं हूं कृतिका चावला और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए कंपनी क्या क्या नहीं करती है। विज्ञापनों में बड़े बड़े दावे करके कस्टमर्स को रिझाना अभी बरकरार है, भले ही ये दावे झूठ ही क्यों ना साबित हो। सुप्रीम कोर्ट ने अब इसी तरह के मामले को लेकर पतंजलि आयुर्वेद को गुमराह करने वाले विज्ञापनों के लिए कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही पूछा है कि आखिर कंपनी के खिलाफ कार्यवाही क्यों ना की गई। कोर्ट ने साथ ही पतंजलि आयुर्वेद के हेल्थ से जुड़े तमाम विज्ञापनों पर रोक लगा दी है। कंपनी आगे भी इसी तरह के विज्ञापन नहीं कर सकेगी। दरअसल कंपनी के विज्ञापनों को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही पतंजलि आयुर्वेद और आचार्य बालकृष्णन को गुमराह करने वाले विज्ञापनों की पब्लिशिंग में शामिल रहने के लिए कोर्ट की अवमानना का नोटिस भी भेजा है। कंपनी के विज्ञापन कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दिखाए जाते हैं, जिसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का मानना है कि गलत दावे के साथ विज्ञापन चलाए जाते हैं। अवमानना नोटिस का जवाब देने के लिए कोर्ट ने कंपनी और उनके मालिक बालकृष्णन को 3 हफ्ते का समय भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हीमा कोहली और जस्टिस ए अमानुल्ला के बेंच ने पहले आदेशों का पालन नहीं करने के लिए आलोचना भी की है। पिछले साल कोर्ट ने कंपनी को विज्ञापन पर रोक लगाने का आदेश दिया था। नवंबर महीने में ही कोर्ट ने पतंजलि से कहा था कि अगर आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो जांच के बाद कंपनी के तमाम प्रोडक्ट्स पर 1-1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। पहले के आदेशों का हवाला देते हुए बेंच ने कहा, कोर्ट की तमाम चेतावनियों के बावजूद आप कह रहे हैं कि आपकी दवाएं केमिकल युक्त दवाओं से बेहतर है। कोर्ट ने आयुष मंत्रालय से सवाल भी पूछा कि आखिर कंपनी के खिलाफ विज्ञापनों को लेकर क्या कार्रवाई की गई। हालांकि सरकार की तरफ से ASG ने कहा कि इस बारे में डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के जवाब पर नाराजगी जताई और कंपनी के विज्ञापनों की मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने अपनी सफाई में बताया कि सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां आई हैं वो पतंजलि फूड्स लिमिटेड से संबंधित नहीं है। PFL एक स्वतंत्र लिस्टेड कंपनी है जो केवल एडिबल ऑयल और FMCG के क्षेत्र में काम करती है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का असर पतंजलि फूड्स लिमिटेड के नियमित व्यवसाय संचालन या वित्तीय प्रदर्शन पर कोई असर नहीं पड़ता है। देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवभारत टाइम्स।